कौमी असम्बली के डेप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद सवाल किया जा रहा है कि क्या मौसूफ माजी की तरह इस बार भी बच जाएंगे या इस मरतबा इनसे कुर्सी छिन जाएगी। बैलेट पेपर पर पांव के अंगूठों के निशान वाले हजारों जारी वोटों की बदौलत रुकने कौमी असम्बली और फिर डेप्टी स्पीकर बनने वाले कासिम खान सूरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से डीसीट किए जाने के बावजूद पिछले दो साल से स्टे ऑर्डर्स पर न सिर्फ कौमी असम्बली की कार्रवाई चला रहे हैं बल्कि कवायद के बरखिलाफ गैर आइनी कानून साजी में भी पेश पेश हैं। कासिम सूरी के दुरुस्त रवैये और जमहूरी इकदार को पामाल करने के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने इनके खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। अब देखना यह है कि आया पहले की तरह हुकूमत मुआफ़ी तलाफी से काम चलाती है या अपोजिशन इन्हें कुर्सी से हटाकर ही दम लेगी। याद रहे कि पहला मौका नहीं है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है। इससे कबल नवंबर सन 2019 में भी अपोजिशन ने कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। ताहम तब हुकूमत ने ऑर्डिनेंसेस के हवाले से अपोजिशन का मौकफ तस्लीम करते हुए घुटने टेक दिए थे और कासिम सूरी मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने पर कायल कर लिया था। अब 10 जून को अपोजिशन की जमातों ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, जिसके मतन में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने मुसलसल जानिबदारी का मुजाहरा किया और वह आइन को नहीं मानते, लिहाजा ऐसे शख्स को कोई हक नहीं कि वह डिप्टी स्पीकर की अहम कुर्सी पर बैठे। तहरीक में मौकफ इख्तियार किया गया है कि डिप्टी स्पीकर ने 10 जून को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कवायद व जवाबित और जमहूरी इकदार को पामाल किया और अपोजिशन को आवाम की नुमाइंदगी करने और बोलने के हक से महरूम रखा। अपोजिशन का कहना है कि वो कानूनी बिल्स जो कायमा कमेटियों को अब तक नहीं भेजे गए उनको कासिम सूरी ने बराह रास्त मंजूर करवा लिया। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ने हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाते हुए बिल्स पर होने वाली गिनती और कौरम की निशानदही पर भी कवायद को बुलडोज किया। इसलिए अपोजिशन समझती है कि कासिम सूरी इस अहदे पर रहने का हक खो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मेंगल, अवामी नेशनल पार्टी और आज़ाद रुकन मोहसिन दावर ने दस्तखत किए हैं। याद रहे कि सितंबर सन 2019 में आम इंतखाबात के 14 माह बाद बलूचिस्तान में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 265 पर कामयाब उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की कामयाबी को धांधली और जाली वोटों की बुनियाद पर कलदम करार देते हुए इंतखाबात दोबारा कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अहकामात पर नादरा की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 265 के 52,000 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी थी, जिस पर ट्राइब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार कासिम सूरी की कामयाबी को कलदम करार देते हुए हल्के के इंतखाबात दोबारा कराने के अहकामात जारी किए थे। तब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल ने दावा किया था कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी को 65,000 जाली वोट डाले गए और उनके वोटों पर पाँव के अंगूठों के निशान लगाए गए थे। ताहम 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, जिसके बायस न सिर्फ इनकी रुकनीत बहाल हो गई बल्कि डिप्टी स्पीकर की सीट भी बच गई। कासिम सूरी गुज़िश्ता 2 साल से इसी स्टे ऑर्डर पर न सिर्फ कौमी असम्बली के स्पीकर बने बैठे हैं बल्कि बड़ी ढिठाई से नाजायज़ कानून साजी भी करवा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के तरीकाकार के कवायद की रोशनी में लाई जा सकती है, जहाँ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को ओहदे से हटाने का तरीकाकार मौजूद है। कवायद के तहत डिप्टी स्पीकर को ओहदे से हटाने की तहरीरी करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कराई जाएगी। करारदाद में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इल्जामात वजाहत के साथ शामिल किए जाएंगे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली नोटिस अराकीन असम्बली को भिजवाएंगे। कवायद के मुताबिक नोटिस वसूली के 7 दिन मुकम्मल होने के बाद पहले दिन डिप्टी स्पीकर को हटाने की करारदाद की तहरीक कौमी असम्बली के एजेंडा में शामिल की जाएगी। उस रोज डिप्टी स्पीकर को ओहदे से हटाने की तहरीक के अलावा एजेंडे में कोई और चीज़ शामिल नहीं होगी। मुतालिका डिप्टी स्पीकर उस रोज़ इजलास की सदारत नहीं कर सकता जिस रोज़ उसको ओहदे से हटाने की करारदाद ज़ेरे गौर होगी। डिप्टी स्पीकर को ओहदे से हटाने की तहरीक पेश करने के लिए चेयरपर्सन उसकी हिमायत करने वाले अरकान को निशस्त पर खड़ा होने का कहेंगे। डिप्टी स्पीकर को ओहदे से हटाने की तहरीक की हिमायत में अगर ऐवान की कुल तादाद में से 1/4 अरकान खड़े नहीं होते तो तहरीक पेश करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तहरीक के हक में 1/4 अरकान खड़े हो गए तो करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद पेश करने वाले शख्स और डिप्टी स्पीकर को 15 मिनट या ज़्यादा देर के लिए बात करने की इजाज़त होगी। करारदाद पर दस्तखत करने वाले दीगर अफराद को भी बात करने की इजाज़त दी जा सकती है। कवायद के तहत जब तक तहरीक निपटा नहीं दी जाती या करारदाद पर वोटिंग नहीं हो जाती, असम्बली इजलास अगले रोज तक के लिए मुलतवी नहीं किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर को ओहदे से हटाने की करारदाद पर वोटिंग खुफिया रायशुमारी के जरिए होगी। अगर इजलास स्पीकर कौमी असम्बली ने तलब किया है तो इजलास तब तक गैर मुजरा मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं होगा जब तक तहरीक निपटा नहीं दी जाती और करारदाद पर वोटिंग नहीं हो जाती। अगर वोटिंग के दौरान कौमी असम्बली की कुल मेंबरशिप की अक्सरियत डिप्टी स्पीकर को हटाने के खिलाफ करारदाद मंजूर करती है तो उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। बसूरत दीगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि अपोजिशन जमातों के कुल अरकान की तादाद 160 के लगभग है।
YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।